देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। प्राइम की पहली खबर, निमरा में शिबू सोरेन के घर पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास, गुरुजी के पैर छूकर दिया सम्मान। प्राइम की दूसरी खबर, बोकारो डीसी का स्टेनो 71,000 घूस लेते गिरफ्तार। प्राइम की तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सीबीआई निदेशक को रातों रात क्यों हटाया, फैसला सुरक्षित। प्राइम की चौथी खबर, हजारीबाग में शौर्य दिवस पर बवाल, 4 बाइक जलकर खाक। प्राइम की पांचवी खबर, दीपिका की बजेगी शहनाई, 10 दिसंबर को सगाई, अगले साल नवंबर में विवाह। प्राइम की छठी खबर, जेल में बंद 7 पारा शिक्षकों की जमानत पर सुनवाई, कोर्ट ने मांगा क्रिमिनल रिकॉर्ड। आगे हम देखेंगे राजनीतिक हलचल में झापा की मेनन एक्का का चुनाव चिन्ह, फलों भरी टोकरी, प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित। प्राइम की हेडलाइंस में हम देखेंगे कि धनबाद में अश्लीलता की सारी हदें पार, शपथ ग्रहण के बाद डीएसपी एमयू के विजयी छात्र प्रतिनिधियों ने कहा, विश्वविद्यालय का होगा चौतरफा विकास। चारा घोटाला में पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने किया सरेंडर, गए जेल। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री लगातार सोरेन परिवार पर निशाना साध रहे हैं। संथाल दौरे पर उन्होंने सोरेन परिवार और खासकर पिता शिबू सोरेन एवं पुत्र हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर आग उगला, परंतु गुरुवार को शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में कुछ अलग ही नजारा था। दरअसल गुरुवार को नेमरा में शिबू सोरेन के भाई लालू सोरेन का श्राद्ध कर्म था, जिसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पहुंचे थे। पहले तो मुख्यमंत्री के वहां पहुंचते ही लोगों को लगा कि सोरेन परिवार और मुख्यमंत्री जब आमने सामने होंगे तो पता नहीं कैसा माहौल होगा, परंतु मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए सामने पड़ते ही गुरुजी शिबू सोरेन के पैर छू लिए। मुख्यमंत्री द्वारा गुरुजी को यह सम्मान देते देख लोग इस मिलन की सराहना करते नहीं थके। मौके पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद थे, वह भी मुख्यमंत्री के बगल में बैठे रहे। झारखंड के 3 दिग्गज नेताओं को एक साथ देखना लोगों के लिए बड़ा ही सुखद एहसास रहा। मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लालू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सोरेन काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके निधन से झारखंड को अपूर्णीय क्षति हुई है। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की दूसरी प्रमुख खबर पर। बोकारो डीसी के स्टेनो मुकेश कुमार को एसीबी ने गुरुवार को 71,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उन्हें धनबाद ले जाया गया। मुकेश की गिरफ्तारी सेक्टर 4 स्थित डीसी आवास के सामने सुबह हुई। मुकेश कुमार डीसी आवास के सामने ही शिकायतकर्ता से घूस ले रहे थे। उस समय डीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल अपने आवास के भीतर लॉन में टहल रहे थे। मुकेश ने शिकायतकर्ता को घूस की रकम के साथ वहां बुलाया था। शिकायतकर्ता ने जैसे ही उसे रकम थमाई, मुकेश को शक हो गया, वह वहां से भागने लगा। तब एसीबी की टीम ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। आवास के बाहर आपाधापी देख डीसी भी बाहर निकले। उन्होंने एसीबी के डीएसपी चंद्रदेव से बात की। डीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने अपने स्टेनो की गिरफ्तारी के बाद कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को उनसे या उनके आवासीय कार्यालय से न जोड़ा जाए। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की तीसरी प्रमुख खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के खिलाफ उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस मामले में फैसला बाद में सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने केंद्र से सवाल किया कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थी जिसके कारण आलोक वर्मा को रातों रात हटाना पड़ा। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या सीबीआई निदेशक कानून से परे हैं कि 2 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विवाद 3 महीने से था तो अचानक ऐसी क्या स्थितियां आ गई कि केंद्र सरकार को रातों रात सीबीआई निदेशक की
शक्तियों को खत्म करने का फैसला करना पड़ा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं था कि सरकार को चयन समिति से बातचीत किए बिना सीबीआई निदेशक की शक्तियों को तुरंत खत्म करने का फैसला लेना पड़े। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की चौथी प्रमुख खबर पर। हिंदू संगठनों के शौर्य दिवस जुलूस को रोके जाने के बाद हजारीबाग में बवाल हो गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इचाक से आ रही बाइक रैली को एसडीएम मेघा भारद्वाज ने रोक दिया। इस दौरान उनकी पिटाई भी की गई। इससे नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने कोर्रा थाने का घेराव कर दिया। तोड़फोड़ भी की गई। विधायक मनीष जायसवाल भी थाने पहुंचे और प्रशासनिक कार्रवाई की निंदा की। उधर जुलूस रोके जाने से नाराज लोगों ने झंडा चौक पर पथराव कर दिया। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे शहर में अचानक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना के बाद दुकानें बंद हो गई। भारी संख्या में शहर के हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस बीच उपद्रवियों ने 4 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की पांचवी प्रमुख खबर पर। पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रांची की दीपिका कुमारी और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज अतानु दास की सगाई 10 दिसंबर को रात में होगी। यह सगाई दीपिका के पैतृक गांव रातू चट्टी में ही संपन्न होगी। अतानु मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले हैं। दीपिका की मां गीता देवी ने गुरुवार को बताया कि सगाई 10 दिसंबर और शादी अगले साल 2019 में नवंबर में होगी। सगाई समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। इसके अलावा आसपास के करीब 100 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। पश्चिम बंगाल में जन्मे अतानु दास भी दीपिका की तरह अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है। दीपिका और अतानु की मुलाकात कोलंबिया के मेडलिन में वर्ल्ड कप मैच के दौरान हुई थी। इस दौरान दोनों ने डबल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैच के बाद अतानु ने दीपिका को प्रपोज किया था, लेकिन दीपिका ने इनकार कर दिया था। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए और इसी साल अक्टूबर में दोनों ने शादी का फैसला किया है। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की छठी प्रमुख खबर पर। 12 शिक्षकों के मामले को लेकर रांची पुलिस प्रशासन अब फंसता नजर आ रहा है। कोर्ट ने जेल में बंद 12 शिक्षकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगा है। जेल में बंद 7 पारा शिक्षकों की जमानत पर सुनवाई गुरुवार को भी हुई। सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने सुनवाई के दौरान इन सभी का आपराधिक इतिहास की मांग की। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। मामले में बुधवार को जमानत दाखिल की गई थी। जिन पारा शिक्षकों की जमानत पर सुनवाई हुई उनमें संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, प्रद्युमन कुमार सिंह, बजरंग प्रसाद साहू, प्रमोद कुमार महतो, मोहन कुमार मंडल और विकास कुमार यादव शामिल हैं। ये सभी पारा शिक्षक नेता हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। कोलेबिरा उपचुनाव, झापा की मेनन एक्का का चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी है। प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित। कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है। राष्ट्रीय सिंगल पार्टी के अनिल कंडुलना को हल जोतता किसान, झापा की मेनन एक्का को फलों की टोकरी और निर्दलीय बसंत डुंगडुं को हॉकी और बॉल आवंटित किया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्सल कुंगाड़ी का चुनाव चिन्ह पंजा और बीजेपी प्रत्याशी बसंत सोरेन का कमल होगा। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम के कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। धनबाद में अश्लीलता की सारी हदें पार, बार बालाओं के ठुमकों के साथ दी गई शहीद को श्रद्धांजलि। शहीद के शहादत पर यह कैसे श्रद्धांजलि, यह सवाल धनबाद के बाघमारा का एक एक शख्स की जुबान पर है। झारखंड के क्रांति दूत कहे जाने वाले शहीद शक्तिनाथ की जयंती के मौके पर आयोजित मेले में हुए ऑर्केस्ट्रा के दौरान अश्लीलता की सारी हदें पार हो गयी। डांस में फूहड़पन और अश्लीलता पूरी तरह बढ़ गई कि महिलाओं का बैठना मुश्किल हो गया। शपथ ग्रहण के बाद DSPMU के विजयी छात्र प्रतिनिधियों ने कहा, विश्वविद्यालय का होगा चौतरफा विकास। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के विजयी छात्र प्रतिनिधियों ने गुरुवार को शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ ताल में ताल मिलाकर विश्वविद्यालय के विकास के लिए काम करेगा। वहीं कुलपति डॉक्टर SN मुंडा ने कहा कि गठित छात्र संघ को यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। चारा घोटाला में पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने किया सरेंडर, गए जेल।
राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने गुरुवार को चारा घोटाला के दो मामलों में सीबीआई को अलग अलग दो विशेष कोर्ट में सरेंडर किया। ये दोनों मामले चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। सजल चक्रवर्ती इलाज को लेकर औपबंधित जमानत पर थे। उनकी औपबंधित जमानत की अवधि गुरुवार को ही समाप्त हो रही थी। चलते चलते हम आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। जनजाति महिला से शादी कर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते गैर एसटी। ऐसी महिला के नाम पर खरीदी गई आदिवासी जमीन विक्रेता को वापस हो जाएगी। अनुसूचित जनजाति महिला से शादी कर अब उसके नाम पर गैर आदिवासी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। यह कानूनन गलत होगा। ऐसी महिला के नाम पर खरीदी गई आदिवासी जमीन विक्रेता को वापस हो जाएगी। राज्य मंत्री परिषद ने गुरुवार को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव एसकेजी रहाटे और भू राजस्व विभाग के सचिव के सोन ने बताया कि वैसी अनुसूचित जनजाति महिला जिसने किसी गैर जनजाति से शादी कर ली है अब उसके नाम से आदिवासी जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। उक्त महिला के नाम पर आदिवासी जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता। अगर किसी ने ऐसी संपत्ति खरीदी तो वह रिस्टोर हो जाएगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अनुसूचित जनजाति की महिला से भूमि खरीदने के लिए गैर अनुसूचित व्यक्ति द्वारा शादी किए जाने के मामले में उड़ीसा राज्य की तरह झारखंड में भी कानून बनाया जाए। राज्यपाल से अनुमोदित होने के बाद यह रेगुलेशन प्रभावी होगा। एक सवाल के जवाब में के सोन ने कहा कि विभाग को विधि परामर्श मिला है कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे राज्यपाल से अनुमोदन कराया जाना चाहिए। इसे राष्ट्रपति को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। के सोन ने कहा कि ऐसी अचल संपत्ति के प्रत्यर्पण का प्रावधान सीएनटी की धारा 71 क और एसटी का धारा 20 में विहित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। बताते चले कि झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद ने इस संदर्भ में उड़ीसा की तरह कानून बनाने की बात कही थी। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही से। धन्यवाद।